नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के ग्राम नोटा में चल रहे भव्य गणेश महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मधुरिमा नायक झांसी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें रामलीला से कुछ सीखना चाहिए। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता आयुष मिश्रा के साथ देखें झांसी से ये रिपोर्ट। उनको मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज मुझे यहाँ पर आने का और दो शब्द बोलने का मौका मिला है। मैं मेरे बड़े भाई को भी धन्यवाद देती हूँ। आज ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं नोएडा आई हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम आऊँगी और इतने अच्छे मौके पर आऊँगी, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे कि भैया ने बताया, मैं डॉक्टर हूँ। झांसी में मेरा क्लिनिक है, काफ़ी बिजी रूटीन रहता है। 8:30 बजे मैं फ्री हुई, बट मेरा था ही कि मुझे आना ही है कुछ भी हो जाए, क्योंकि रामलीला का आज उद्घाटन है। ये भी फर्स्ट टाइम है मेरे लिए कि आज मैं पहली बार रामलीला का उद्घाटन करने जा रही हूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस बहुत ही कम बोलूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जैसे कि आज रामलीला है, रामलीला का मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ देखना नहीं है उसको, ठीक है। वो कोई मनोरंजन का प्रतीक नहीं है। यहाँ पर रामलीला चल रहा है, बस देखा और घर पे जाके बस सेम, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी आ रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम एक दो अच्छाइयाँ सीख के जाना है। जैसे कि प्रभु राम जैसे आदर्शों पे, उनके आदर्शों पे हमें चलना है। उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना त्याग किया, ठीक है, उन्होंने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया। तो यहाँ पे जो हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, बस उनको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। सिर्फ अपने माता पिता का आप सम्मान करें, उनसे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर।